बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अकेले रहना, अकेले लड़ना, अकेले जीना सीखो। दुनिया किसी की नहीं है। मुनाफ़त की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है, मगर खुद सच्चा दोस्त बनने की कोई कोशिश नहीं करता। मैंने गलती की, उस पाक रब ने पर्दा डाला। मैंने सजदा किया, उस पाक रब ने थाम लिया। दूसरों के साथ ज्यादा तो वो नेक सलूक करते हैं जो खुद भी मुश्किल वक्त से गुजर चुके हों। सबसे अच्छी जिंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए प्यारे रब के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। याद रखो, बुराई हंसती हुई आती है और नेकी रोती हुई आती है। इखलाक वो चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। हाँ, मगर उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। बददुआ सिर्फ इखलाक नहीं होते। जिसको दुख दो, उसकी आह भी बददुआ बन सकती है। और अल्लाह पाक बहुत इंसाफ करने वाला है। बांटने से खुशियां इस तरह से बढ़ती हैं जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत भी कैसे। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जिंदगी कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती। जब भी कोई कहे कि मैंने जिंदगी में ये सीखा वो सीखा, तो यकीन करें उसने जिंदगी में बहुत बड़ी कीमत अदा की होगी ये सब कुछ सीखने में। तीन चीजें याद रखो, मौत, एहसान, नसीहत। जो अल्लाह पाक के दिए हुए रिज़्क़ को काफी समझते हैं वो जिंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं होता। बदजुबानी, बदकलामी और फाहशगोई से आप न सिर्फ अपना वकार और रुतबा तबाह करते हैं, बल्कि उन लोगों के भी तोहीन करते हैं जिन्होंने आपकी तरबियत की। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।